me wanna talk back. Talk back to you. Say you say you like that. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए YouTube चैनल द रेलवे ज्ञानी पर। उज्जैन देवास इंदौर रेल मार्ग दोहरीकरण काम को एक बार फिर से गति मिलने की उम्मीद है। रेलवे ने करछा से देवास दोहरीकरण का काम पूरा करने के लिए 178 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। बता दें कि इस साल बजट में इस काम के लिए मात्र 1000 रुपए की टोकन राशि दी गई थी। इस काम को विजन 2024 में शामिल करने के लिए पत्र लिखा था। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016-17 के वार्षिक बजट में रेल मंत्रालय ने इंदौर उज्जैन मार्ग के दोहरीकरण की घोषणा की थी। 650 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले काम में सिविल वर्कर्स के अलावा सिग्नलिंग विभाग, टीआरडी विभाग, इलेक्ट्रिक पावर विभाग तथा अन्य विभागों के खर्च को शामिल किया गया था। वर्ष 2017-18 में काम की शुरुआत हुई थी। दिसंबर 2020 में उज्जैन से करछा के बीच 15 किलोमीटर का काम पूरा हो गया था। इसका कमिश्नर रेलवे सेफ्टी CRS ने निरीक्षण कर ट्रेनों को संचालन की अनुमति दे दी थी। इस वर्ष बजट में उज्जैन देवास इंदौर रेलमार्ग के लिए मात्र 1000 रुपये की टोकन राशि दी गई थी। इसके बाद करछा से देवास के बीच चल रहे काम को ठेकेदार ने रोक दिया था। DRM श्री विनीत गुप्ता जी ने बताया कि रेलवे बोर्ड ने उज्जैन देवास इंदौर दोहरीकरण काम के लिए 178 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। अब इस मार्ग पर करछा से देवास तक का काम जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश की जाएगी। जैसे ही इस रेल लाइन प्रोजेक्ट की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी, हम वीडियो के माध्यम से आपको जरूर बताएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताएगा वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।